है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहसिन खान और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। यूपी के बजट ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूपी में योगी सरकार आने के बाद से उत्तर प्रदेश की छवि बदलने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। जाहिर है किसी राज्य के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जनता का होता है, लेकिन जनता योगदान तब कर पाएगी जब ज्यादा से ज्यादा मौके उसे मिलेंगे, और ये मौके मिलते हैं उद्योग से। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक बेहद ही खास मेहमान, यूपी सरकार में कैबिनेट उद्योग मंत्री सतीश महाना। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए महाना जी के पास क्या रोड मैप है, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। सतीश महाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। धन्यवाद सतीश जी। बजट आया है उत्तर प्रदेश का, इसे महाबजट कहा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पहली बार लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोजेक्ट किया। जो जनता के विकास की योजनाएं हैं उसमें लगभग 20-25% की बढ़ोतरी हर मद में की गई है। अब आम आदमी की चिंता इस प्रदेश के विकास के पथ के ऊपर ले जाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, और जो एक विश्वास प्रदेश की जनता ने दिया था, हम उसको पूरा करने के लिए और आगे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से जिन सेक्टर्स में कभी किसी भी प्रकार का कोई मद होता ही नहीं था, इंडस्ट्री क्षेत्र के अंतर्गत हमने 1100 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री के अंतर्गत इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए और जो भी इंसेंटिव्स हैं उनको देने के लिए रखा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में डिस्कस हो रही है। सारे विभागों के बारे में मैं कहूँगा कि सभी विभागों में बड़ी बढ़ोतरी की गई, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, हर विभाग में। लेकिन प्रमुख रूप से, क्योंकि मैं उद्योग मंत्री के नाते से मेरी जिम्मेवारी उद्योगों को देखने के लिए, तो इसमें मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार इस मद में किसी भी प्रकार का कोई इंसेंटिव्स के लिए और विभाग के काम के लिए पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई। सतीश जी, अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन क्योंकि शुरुआत हमने बजट से करी है, तो जो बजट को लेकर विपक्षी पार्टियां और राजनीतिक विश्लेषक इसे 2019 के लिए चुनावी बजट कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए जी, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं, वो कहते हैं कि वोट कर रख कर बजट नहीं बनाया जा सकता है। जन कल्याणकारी योजनाएं जिस समय वोट को दिमाग में रखकर बनाए जाएंगे तो वो ना तो मूर्त रूप ले पाती हैं, ना ही उसका लाभ जनमानस को मिल सकता है। बजट एक निरंतर वार्षिक प्रतिक्रिया है कि हम कितना बजट उस प्रदेश की जनता के लिए किस किस मद में रखेंगे, खर्चा करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि 2019 के लिए है, फिर 2 साल बाद कहेंगे कि ये 2022 के लिए है। तो इलेक्शंस तो इस देश में हर समय होते ही रहते हैं, लेकिन इलेक्शंस को ध्यान में रखकर बजट नहीं प्रस्तुत किया जाता। बजट सिर्फ जनता के और प्रदेश के हित में जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया है। किसी को कुछ भी कहना है वो कहता रहे, उसमें हमारे को कोई चिंता नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से, जिस जनता ने हमारे को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, उसके प्रति हमारी जिम्मेवारी है और हम उस जिम्मेवारी को रियलाइज करते हैं। इसके कारण हमने विकास के मद के ऊपर हर विभाग में उसको बढ़ोतरी करी है उस मदों के अंतर्गत। बिल्कुल सतीश जी, आपने जैसा कि अभी कहा कि जनता ने आपको मैंडेट दिया है और ऐसा बहुमत दिया है जिसकी अपेक्षा शायद किसी ने भी नहीं करी थी, इसीलिए योगी सरकार को सपनों की सरकार कहा जा रहा है और उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। सतीश जी, प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ में 21 और 22 फरवरी से इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है, इसे सफल बनाने के लिए क्या तैयारियां हुई हैं अब तक? नर्वस हैं आप क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ यूपी में होने जा रहा है, या उत्सुक हैं? देखिए जी, मैं नर्वस एकदम नहीं हूं, दूसरा मैं उत्सुक जरूर हूं। मन के अंतर्गत एनर्जी है, काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। देखिए, यूपी में फर्स्ट टाइम इस प्रकार का इन्वेस्टर समिट हो रहा है, और इस इन्वेस्टर समिट को मूर्त रूप देने के लिए हमने 6 रोड शोज किए हैं। पिछले 15 सालों में विगत सरकारों ने 3 रोड शोज करके उसको इन्वेस्टर समिट कह दिया था, लेकिन हमने प्रत्येक जहाँ जहाँ से हमारे को इंडस्ट्रीज मिल सकती हैं, जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं पूरे देश भर के, वहाँ पर जाकर हमने इंडस्ट्रीज से बात की। हम बैंगलोर गए, हैदराबाद गए, कलकत्ता गए, अहमदाबाद गए, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होने का, यूपी से भी कोई यहाँ पर आ सकता है कि आज तो कोई यूपी से गया ही नहीं था।
हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर माननीय भारत सरकार की विदेश मंत्री से निवेदन किया कि हमारे इस इन्वेस्टर समिट को और विशेष रूप से हम अगले वर्ष जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करें। तो कुछ इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हम हमेशा सोचते थे कि हम यूपी में किसी इंडस्ट्री को भेजें, लेकिन यूपी के बारे में प्रोजेक्शन ही नहीं था, कोई आता ही नहीं था हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश का कोई प्रतिनिधि विदेशों में ना तो अधिकारी गए ना ही वहाँ के ऑफिसर्स गए, मंत्रीगण गए, जाकि उन्होंने वहाँ पर जाकर कहा कि हमें यूपी में इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना हमारे पास जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर किया गया, ना हमारे पास जितनी बड़ी संभावनाएं हैं, जितना बड़ा मार्केट है, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको प्रोजेक्शन ही नहीं हुआ। पिछले दिनों प्रोजेक्शन होता रहा तो लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन का प्रोजेक्शन होता है, तो अपहरण का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, जो असली उत्तर प्रदेश की एसेंस होनी चाहिए, जो सुगंध पूरे देश के अंतर्गत फैलनी चाहिए थी, वो नहीं फैलाई गई। इसीलिए अब हम उत्साहित हैं, हमने बहुत तैयारी करी और ये 21 और 22 फरवरी उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पहला कदम होगा। ये हम कोई आखिरी कदम नहीं मान रहे कि हमने सब कुछ कर दिया और 21-22 तारीख कोई रोड शो करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई इवेंट करने नहीं जा रहे, हम उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज को लेने जा रहे हैं। इस समय मन में उत्साह है। चलिए सतीश जी, अच्छी बात है कि आपके मन में उत्साह है, क्योंकि आपके साथ साथ प्रदेश की पूरी जनता में भी इसे लेकर बड़ा उत्साह है, और ये उत्साह जमीन पर कितना सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये इन्वेस्टर्स समिट सफल होता है तो इससे कितना फायदा यूपी को होगा, इससे कितने रोजगार पैदा होंगे, कोई अनुमानित आंकड़ा आपके पास है अगर तो आप बताएं प्लीज, क्योंकि रोजगार की समस्या इस वक्त है और ये हर कोई मान रहा है। ये बात आपकी ठीक है, ये आगे क्या परिणाम होंगे, लेकिन हमेशा अच्छे सोच कर ही परिणाम किए जाते हैं ना। जो मेहनत कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जितना सीरियसली हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, जितनी मेहनत मैं प्रत्येक स्टेट्स में जाकर इंडस्ट्री से 1-to-1 मीटिंग में करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस प्रकार से हमारा पूरे का पूरा डिपार्टमेंट इसके ऊपर ये कहते हैं कि पूरी मेहनत के साथ 24 घंटे लगा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से एक अच्छे परिणामों को ध्यान में रखते हुए लगे। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज कोई ओवरनाइट नहीं है, अभी इंडस्ट्रीज आएंगे जिसने अगर 5,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना है या जो जो भी जिसकी क्षमता है, जिस प्रोजेक्ट की जो भी रिपोर्ट की आवश्यकता है, उतने अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कम्स ओवर द ईयर्स। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 5,000 करोड़ का नाम लिया, तो 5,000 करोड़ का अगर MOU आज साइन करता है तो 5,000 करोड़ लगाने में उसको 2-3 साल का समय लगता है, ऐसा नहीं है कि एक ही साल के अंतर्गत पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से एक पहला कदम, जैसे मैंने बोला, अगर ये सोच आज से 5-10-15 साल पहले पड़ गई होती तो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हो चुका होता। इंडस्ट्री और रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं, और हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2017, उसमें हमने केवल जो धनराशि उसके ऊपर लगाते, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसी के आधार के ऊपर हमने इंसेंटिव्स देने की बात नहीं करी। हमने कहा कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको मेगा प्रोजेक्ट की जो इंसेंटिव्स है वो दिए जाएंगे, अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आप इतने लोगों को रोजगार दें तो तब भी हम आपको उतना इन्वेस्टमेंट करने वाले के बराबर आपको इंसेंटिव्स देने के लिए तैयार हैं। तो रोजगार और इंडस्ट्री को हमने पहली बार जोड़ने का काम किया है, इससे मुझे लगता है कि रोजगार परख इंडस्ट्रीज आएंगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में एक अच्छे नौजवान, स्किल्ड नौजवान हमारे पास तैयार हैं, जो उत्तर प्रदेश की इन इंडस्ट्रीज को चलाने में सक्षम हैं, और इनके दम के ऊपर हम उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे ले जाएंगे। सतीश जी, जो बातें आप अभी बता रहे हैं उन्हें सुनकर बड़ा उत्साह हमें भी मिल रहा है, और देश प्रदेश के जो नौजवान खासतौर पर सुन रहे होंगे उनके मन में भी उत्साह उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा होगा। लेकिन ये हाइपोथेटिकल सवाल है, हालांकि फिर भी अगर आप कोई आंकड़ा बता सकें कि आने वाले एक साल में लगभग कितने लोगों को आप रोजगार पैदा करने का काम करेंगे। देखिए, हमने अब आने वाले एक साल के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगले 5 साल में लगभग 20,000 नौजवानों को हम रोजगार देने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है, क्योंकि एक साल में जब से कोई इंडस्ट्री लगनी शुरू होगी तो एक साल के अंतर्गत पूरी इंडस्ट्री जमीन के ऊपर नहीं लग सकती, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो एक साल के अंतर्गत जब ग्राउंड के ऊपर आते हैं तो उसको टाइम लगेगा। हाँ, जैसे जैसे ग्राउंड पर आएंगे वैसे वैसे इस रोजगारों की वो बढ़ती जाएगी, वो आगे होता जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ रोजगार भी लोगों को मिलता रहेगा। तो इस नाते से मेरा ये निवेदन है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगर आज किसी ने MOU साइन किया और आज वो इंडस्ट्री लगाना शुरू कर रहा है तो उसको तत्काल रोजगार मिल जाएगा। हाँ, रोजगार मिलेगा,
वहाँ काम करने वाले कामगारों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर टेम्पो आएगा, टैक्सी आएगी, चाय की दुकान खुलेगी, वो किसी चौकीदार को रखेंगे, किसी स्किल्ड व्यक्ति को रखेंगे, किसी मैनेजर को रखेंगे, किसी इंजीनियर को रखेंगे, इसकी शुरुआत निश्चित रूप से होगी। और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे रोजगार परख इंडस्ट्रीज को हम प्राथमिकता देंगे। चलिए सतीश जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो आपने अभी सारी बातें करी रोजगार को लेकर, वो जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार पैदा हो सके। इसके साथ ही आपने MOU की बात अभी कही, MOU तो पिछली सरकार में भी साइन हुए थे, पिछली सरकार के MOU का क्या हुआ? देखिए, पिछली सरकार में जो उन्होंने इन्वेस्टर समिट, जिसको वो कहते हैं कि इन्वेस्टर समिट उन्होंने किए थे, वो 3 शहरों में 15 सालों में, एक मुंबई में, एक दिल्ली में और एक आगरा में, एक 5-स्टार होटल के एक बड़े से हॉल में हो गया था। वहाँ पर उन्होंने योजनागत तरीके से कुछ इंडस्ट्रीज़ को बुलाकर, क्योंकि सरकार अगर किसी इंडस्ट्रीज़ को बुलाएगी तो स्वाभाविक रूप से वो इंडस्ट्रीज सरकार के निमंत्रण के ऊपर आते हैं, उन्होंने वो सादे कागज़ के ऊपर वो कर दिया था, MOU साइन कर दिया था, लेकिन उसको ज़मीन के ऊपर उतारने का कोई प्रयास नहीं हुआ। हमने नए सिरे से हमने इंडस्ट्रीज़ को बुलाया, और पिछली बार भी जिन इंडस्ट्रीज़ ने अपना इंटेंट, अपना वो दिखाया था इंटरेस्ट कि हम यहाँ पर करना चाहते हैं, उनसे भी संपर्क में है। सरकारों के द्वारा MOUs किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, वो इंडस्ट्री लगाने के लिए होते हैं। मेरे पास आज की तारीख में यदि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनसे कोई जुड़ा हुआ अगर इंडस्ट्रीज भी आता है मेरे पास और मुझे कहेगा कि मैंने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगानी, तो मैं स्वाभाविक रूप से उसका स्वागत करूंगा, उसको धन्यवाद दूंगा। तो ये MOUs को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, हमारे को जो भी MOUs हमारे पास आएंगे, आई वॉन्ट MOUs टर्न इंटू रियालिटीज ऑन द ग्राउंड फॉर इंडस्ट्रीज नाउ। सतीश जी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को IT और इलेक्ट्रॉनिक हब घोषित किया है आप लोगों ने, जाहिर है इसका रोड मैप आपके पास होगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास को पंख कैसे लगाएंगे आप लोग? देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहले इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए मशहूर होते थे, कोई घपला और घोटालों के लिए मशहूर होते थे। आज IT हब के नाते से अगर उसके फेमस हो रहा है, और IT की हमारी सरकार बनने के बाद सैमसंग वालों ने पहले एक करार किया था पिछली सरकार में, जैसे हमारी सरकार बनी तो वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे संपर्क किया, उन्होंने कहा भाई साहब हम तो पिछले 6 महीने से बहुत परेशान हैं, हम आगे का इन्वेस्टमेंट हम दूसरे स्टेट में ले जाएंगे। लेकिन जब मैं उनसे मिला, मैंने उनकी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई, तो उनमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और लगभग 3,000 करोड़ रुपये का उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन के लिए दाखिल कर दिया। अभी उनका काम चल रहा है, मैं खुद उनकी जो इंडस्ट्री है उसके भूमि पूजन के लिए मैं और भारत सरकार के आदरणीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी भी वहाँ पर आए थे, हमने उसका शिलान्यास किया था। आज वहाँ पर फैक्ट्री बनकर लगभग तैयार होने की स्थिति में, तो और एक्सपेंशन के लिए इतना लोगों में उत्साह है, इतना लोगों को एक पॉजिटिवनेस दिख रही है उत्तर प्रदेश में अपने बिजनेस को, इंडस्ट्री को एक्सपेंशन के लिए। रोज़ हमारे पास नए नए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, ओप्पो वाले आ गए हैं, वीवो वाले आ गए हैं। हम लगता है कि हम इस इंडस्ट्रियल समिट में लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपये IT सेक्शंस के MOU साइन करेंगे जो इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में लगेंगी। सतीश जी, सरकार ने कहा है कि गरीबों को 5 लाख घर देने का लक्ष्य है, लेकिन जो अधूरे घर नोएडा सहित कई जगहों पर पड़े हैं और बिल्डरों के पास फंसे हैं, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा क्यों है? नहीं, जो 5 लाख घर देने की बात कही है वो हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए उन गरीब आदमियों को जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, उनके लिए वो घोषणा करी है। पिछले लगभग 15 वर्षों में, जैसे मैंने आपको कहा कि नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा इत्यादि सारे अथॉरिटीज़, ये केवल भ्रष्टाचार के लिए मशहूर थी। 2006 में जिसने अपना मकान बुक कराया था, आज 2017 तक उसको नहीं मिला, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार तो नहीं है। 2007 में जिन्होंने बुक कराया, जिनको 10, 11, 12 में मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला। 12 से लेकर 17 तक एक दूसरी सरकार रही, उन लोगों से देने चाहिए थे। लेकिन हाँ, हम उन जो बायर्स हैं उनकी परेशानी, उनका हार्ड अर्न्ड मनी है, स्वाभाविक रूप से उनके साथ चीटिंग हुई है, और उस चीटिंग में जो लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया जिसमें सुरेश खन्ना जी उसके अध्यक्ष हैं, हम लोग स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने इसके लिए जो एक वो भी करवाया था, हर प्रोजेक्ट का सर्वे करवाया था, उस सर्वे की रिपोर्ट भी आ रही है। सर्वे रिपोर्ट के आधार के ऊपर कितने फ्लैट्स बने हैं,
कितने पोजीशन दिए हैं, कितना पैसा उन्होंने लिया है, कितना पैसा लेना बाकी है, इसका एक पूरी जिस समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर उस समय हम को डेवलपर्स को भी प्रमोट करेंगे, अथॉरिटी का भी जितना पैसा, हम इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अथॉरिटी का पैसा किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं, वो भी जनता का ही पैसा है, लेकिन हाँ हमारी प्राथमिकता उन बायर्स के लिए थी, है और हम पूरा प्रयासरत हैं कि उनको जल्दी से जल्दी हम मकान दिलवा सकें। सतीश जी, ये बात आपने सही कही कि ये 8-8 10-10 साल 12-12 साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन पिछली सरकारों में और अभी की सरकार में क्या फर्क आप देखते हैं? फर्क ये देखते हैं कि उन्होंने समस्या खड़ी करी थी और हम समस्या का समाधान कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा फर्क है। उसी समाधान के लिए जनता ने आपको चुना है, तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे। हमने कब कहा, हमने तो कहा कि उनका हार्ड अर्न्ड मनी है, हमने उस जिम्मेवारी से पीछे हटने के लिए एकदम तैयार नहीं। हम कह रहे हैं कि उनको जो मकान थे वो मिलने चाहिए। हमने कहा कि उनके साथ जिन्होंने चीटिंग करी थी उनका हम जब तक सर्वे नहीं कराएंगे, उठाकर हम पहले ही 6 श्रेणी के अंतर्गत उनके खिलाफ, वो पात्रता श्रेणी में है कि उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, लेकिन सोल्यूशन भी वहीं से निकालना है। अगर हमारे को लगेगा कि अगर सोल्यूशन वहाँ से नहीं निकलता तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे, और जो बिल्डर्स, जो बायर्स का जो इंटरेस्ट है, हम बायर्स के इंटरेस्ट को भी हर हालत में वॉच करेंगे और उनको मकान मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सतीश जी, ये विपक्ष समय समय पर आरोप तो लगाता ही रहता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, सत्ता घमंडी हो गई है। लीजिए, आके सारे टेलीविजन वहां चलते हैं, हम सरकार तो हमेशा इनको निमंत्रित करते हैं कि आइए बोलिए, डिबेट के माध्यम से, किसी लोकतंत्र में डिबेट के माध्यम से किसी समस्या का समाधान किया जाता है। हर माननीय सदस्य अपनी विधानसभा से जनता उनको चुनकर भेजती है कि विधानसभा में जाकर आप हमारे लिए बात करिए, हमारे लिए डिबेट करिए, हमारे लिए लड़ाई करिए अपने अधिकारों के लिए। वो अगर विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहते तो ये विपक्ष का मामला है, सरकार तो हमेशा तैयार है इस प्रकार की चर्चा करने के लिए। हम स्वस्थ चर्चा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जनता के बीच में जनहित की जो योजनाएं विधानसभा के माध्यम से लोगों को बताएं। विपक्ष ये जिम्मेवार रहता है यदि सरकार की कोई कमी हो तो उसको पॉइंट आउट करे, उनको कोई कमी लगती नहीं है, इसीलिए वो बवाल कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं, शोर मचा देते हैं, इसीलिए डिबेट नहीं करना चाहते। वो डिबेट करें, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार सक्षम है और तैयार है। सतीश जी, राज्य सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन समिट से पहले ही 70% लक्ष्य पूरा हो चुका है। नामी गिरामी 138 निवेशकों से अभी तक 70,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं, लेकिन असल में ये कितने धरातल पर उतरते हैं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी ने पहले भी ऐसे कई वादे देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि यूपी में इस प्रकार का कोई इन्वेस्टर समिट पहले हुआ है। मुझे नहीं लगता कि किसी माननीय मुख्यमंत्री ने इतनी संजीदगी के साथ इन्वेस्टर से और इंडस्ट्री से बातचीत करी होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर प्रत्येक इंडस्ट्रीज के पास जाकर उसकी समस्या को सुनकर उसका समाधान करने का वादा करके आया हो। मुझे नहीं लगता कि कभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इतनी तत्परता के साथ इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करी हो। मुझे ये बात नहीं लगती कि इस प्रकार की जो पॉलिसी हम लेकर आए इससे पहले कभी ऐसी पॉलिसी आई हो। तो ये नई चीज़ है, ये नया परिस्थितियाँ हैं, नए बदली हुई परिस्थितियों में जो विश्वास उद्यमियों में पैदा हुआ है उसके कारण अब इंडस्ट्री आने वाली है। यहाँ पर कोई मतलब मुख्यमंत्री जी के जो व्यक्तित्व है, जैसे देश की जनता और विशेष रूप से उद्यमी ये चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आके वो सुरक्षित हैं, हम उनका सुरक्षा की बात करते हैं, हम उनके समन्वय करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे, हम उनको साधन उपलब्ध कराएंगे, हम उनका सम्मान करेंगे और उनकी समृद्धि की कामना के लिए हम उनको यहाँ पर लेकर आएंगे। सतीश जी, लगता है कि अगर आप लोगों को निवेशक मिलते हैं तो इसका फायदा आप लोगों को चुनाव में होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में महज 1 साल भर का वक्त है। जैसे मैंने आपसे पहले निवेदन किया मोहसिन भाई, ये इंडस्ट्री कोई ओवरनाइट नहीं है, और इंडस्ट्री को आएगी तो यूपी को फायदा होगा। ये केवल एक इंडस्ट्री को लेकर लक्ष्य मानकर यूपी को सिर्फ चुनाव के लिए हम काम नहीं करते। मैंने कहा ना कि हमारे जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमारा लक्ष्य देश के विकास का है, तो उनके सपनों के उत्तर प्रदेश को पूरा करने के लिए हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के विकास का है, उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार, अपने स्वावलंबी बनाने का, उनको रोजगार देने का। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री है, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू के साथ साथ हमारी GDP बढ़ेगी। हम उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में सोचते हैं। चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जनता के प्रति किया गया काम हमेशा चिरस्थायी रहता है। इसी के कारण मैं 27 साल से विधानसभा में एक विधानसभा से चुनकर आ रहा हूँ। सतीश जी, निवेश और सुरक्षा दोनों साथ साथ चलते हैं, आपने इसका जिक्र भी अभी किया था। आप इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं और निवेशक आकर्षित हो भी रहे हैं,
लेकिन हाल ही में जो बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, इससे कोई दिक्कत तो पैदा नहीं होगी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? मैं अभी अपने पत्रकार मित्रों से एक निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार भी किया, उनकी कृपा है, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि देखिए इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं यहां पर बैठकर उन कुछ घटनाओं को जस्टिफाई करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसमें जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसमें सख्ती के साथ उनको क्रब करने के लिए उसमें कार्रवाई की जाती है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज को जो परेशान करते थे, इंडस्ट्री को कौन परेशान करता था? वो लोग परेशान करते थे जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके उनके वसूली के लिए जाते थे। हमारी सरकार में कोई ये साहस भी नहीं कर सकता कि किसी भी इंडस्ट्रीज के साथ वसूली की बात कर सके। इंडस्ट्रीज को कौन परेशान करता था? सत्ताधारी राजनीतिक दल के लोग अपने लोगों को वहाँ बिठाने के लिए और ज़बरदस्ती काम कराने के लिए उनके ऊपर दबाव डालते थे। हमारी सरकार में ये कोई साहस भी नहीं कर सकता। हमारी सरकार में इंडस्ट्री के सहयोग के लिए एक वातावरण बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज को उत्पीड़न के लिए नहीं। साथ ही में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने इंडस्ट्रियल पुलिस की भी व्यवस्था करी है। जिस प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जितना छोटा होगा, सक्षम स्तर का अधिकारी उस इंडस्ट्रियल एरिया में डिप्यूट किया जाएगा जो इंडस्ट्रीज की सुरक्षा भी करेगा, उनके साथ समन्वय करके उनके सहयोग को उनको आगे बढ़ाने का भी काम करेगा। जी सतीश जी, बहुत सारी कोशिशें आप लोग कर रहे हैं और इनका असर भी दिखना शुरू हो गया है, तो क्या ये कोशिशें 2019 में जो चुनाव होने जा रहा है इस पर असर दिखाएंगे? इसके अलावा अभी हाल ही में उपचुनाव भी होने वाले हैं, विपक्ष घेरने के लिए एकजुट हो रहा है, कितनी दिक्कतें होंगी आप लोगों को आने वाले चुनाव में? देखिए एकजुट तो विपक्ष पहले भी था, कब नहीं था? पहले जिस समय 2017 वाले जो चुनाव हुए उसमें आपको विपक्ष एकजुट नहीं दिखाई दिया था क्या? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी ने कभी भी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तीखा प्रहार उनके बारे में नहीं बोला, ना ही बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के बारे में बोला, बल्कि ये कहते रहे कि हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। तो विपक्ष तो पहले भी एकजुट था। देखिए जनता उत्तर प्रदेश की समझ चुकी है कि अगर इस देश को प्रगति के पथ के ऊपर कोई आगे ले जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ले जा सकते हैं, और उत्तर प्रदेश को कोई आगे ले जा सकता है तो योगी आदित्यनाथ जी ले जा सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर सतीश जी, मेरा सवाल इसीलिए मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर निकलता है और 2014 में यूपी ने ही दिल्ली में तख्ता पलट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी क्या एंटी इनकंबेंसी का असर 2019 के चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा? 73 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं आप या नहीं? जी देखिए 6 टाइम लगातार गुजरात में हमारी सरकार बनी है। काम एंटी इनकंबेंसी तब होती है जब आप काम ना करें। हम प्रो इनकंबेंसी की बात करते हैं कि काम करने के बाद सकारात्मक सोच के आधार के ऊपर व्यक्ति चुनता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मेरी क्षेत्र की जनता ने कृपा पूर्वक मेरे काम के आधार पर अगर 7वीं बार चुना है तो उस उत्तर प्रदेश की सरकार भी अभी 25 साल तो कहीं जाने वाली नहीं है, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। और वो इसलिए जाने वाली नहीं है, मैं इस बात को एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ उदाहरण के साथ। एक बार हमारी बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री अमित शाह जी ने हमसे पूछा कि 5 साल के लिए कौन मिनिस्टर बना है, तो हम सब लोगों ने सोचा कि मंत्री तो 5 साल के लिए बनता है तो ये ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल के जो लोग मंत्री बने वो अपना घर चले जाए, जो 25 साल के लिए मंत्री बनना चाहता है वो रहे। तो 25 साल के लिए मंत्री तब बनेगा जब जनता संतुष्ट होगी, 25 साल के लिए मंत्री तब बनेगा जब जनता में विश्वास होगा, 25 साल के लिए मंत्री तब बनेगा जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो मंत्री काम करेगा वही सरकार में रहेगा, और जन आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए जनता के हर सुख दुख के अंतर्गत, हर विकास के उस पथ के ऊपर हमें साथ में खड़ा रहना पड़ेगा और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसको करेंगे। सतीश जी आखिरी में अगर आप प्राइम न्यूज के माध्यम से दर्शकों को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश के दर्शकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण होगा जिसमें हम सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता चाहते हैं। यूपी की पिछली विगत कई दशकों की जो छवि जो बिगड़ी हुई थी उसको सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया है और हम उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये इन्वेस्टर समिट जो ऐसे मैंने कहा यह पहला कदम होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, उत्तर प्रदेश को उद्योग के पथ के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, एक इंडस्ट्रियल हब आगे बनाने के लिए सब लोगों की शुभकामनाएं और सबके सहयोग की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आएगी, रोजगार होगा, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आएगी तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू और उत्तर प्रदेश के समृद्धशाली उत्तर प्रदेश को हम आगे ले जाएंगे। इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी आपने प्राइम न्यूज को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट उद्योग मंत्री सतीश महाना जी, जिन्होंने दिल खोलकर हमसे बातें करी और सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूर